दिल्ली में 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन खोली जा रही हैं। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस वक्त दिल्ली में 3,32,000 बुजुर्गों की पेंशन होती थी। इसे बढ़ा के पिछले 9 साल में हमने 1.25 लाख और पेंशन ऐड की, तो लगभग मोटा मोटा 4.5 लाख पेंशन आज की डेट में मिल रही है बुजुर्गों को। इसमें अब 80,000 और पेंशन, तो लगभग 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। कई सालों से बंद पड़ी हुई थी बुजुर्गों की पेंशन, और दिल्ली में जहाँ भी मैं जाता था पदयात्रा में, इधर उधर जब भी इंटरेक्शन होता था, तो बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग जो होते थे वो यही यही की मांग करते थे, मेरी पेंशन नहीं आ रही, मेरी पेंशन लगवा दो, पेंशन नहीं खुल रही, पेंशन लगवा दो। तो आज सभी बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। ना केवल कैबिनेट ने पास कर दिया, पर दिल्ली सरकार ने लागू भी कर दिया है, और कल से पोर्टल चालू भी हो गया है, और पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। दिल्ली में 60 साल से 69 साल तक के बुजुर्गों को 2,000 रुपये पेंशन मिलती है महीना। हमारी सरकार बनने के पहले 2015 के पहले ये 1,000 हुआ करती थी, हमने 1,000 से बढ़ा के 2,000 की, और 70 साल और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 मिलती है। पहले ये 1,500 होती थी, 1,500 से बढ़ा के हमने 2,500 पेंशन की। तो आज दिल्ली में जो पेंशन मिल रही है वो देश में लगभग सबसे ज़्यादा पेंशन है, सारे देश में सभी स्टेट्स मिला के। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ, राजस्थान में 1150 रुपये महीना पेंशन मिलती है, उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपये महीना मिलती है, गुजरात में 700 रुपये महीना मिलती है, छत्तीसगढ़ में 650 रुपये महीना मिलती है, मध्य प्रदेश में 600 रुपये महीना मिलती है, महाराष्ट्र में 600 रुपये महीना मिलती है, ओडिशा में 300 रुपये महीना मिलती है, असम में 500 रुपये महीना मिलती है, गोवा में 500 रुपये महीना मिलती है। तो जो डबल इंजन है वहाँ पे 500-600 रुपये मिलती है, और जहाँ सिंगल इंजन है वहाँ पे 2,500 रुपये महीना मिलती है। तो डबल इंजन की सरकार चुनने में बहुत नुकसान है। आप आम आदमी पार्टी के इंजन के साथ ही जारी रखिए, अच्छा चल रहा है सब कुछ। तो मैं फिर से दिल्ली के सभी बुजुर्गों को बधाई देना चाहता हूँ।